अपोप्टोसिस एक डिफॉल्ट कोशिका को प्रोग्राम मेंबर में डेथ कराने का एक प्रोसेस है। सेल डेथ होने के बाद में सेलुलर कंटेंट बाहर स्रावित होने के बजाय सेल बल्ज आउट होके एक छोटी छोटी सेल बॉडी के रूप में बाहर आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं अपोप्टोसिस बॉडी, अपोप्टोटिक बॉडी। अपोप्टोसिस प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान बहुत ही उपयोगी होती है। जैसे कि आप हाथ देख सकते हो, हाथ के बीच में, अंगुलियों के बीच में जो वेब सेल्स होती है वो जब डिग्रेड होती है तब हमें अंगुलियां है वो अलग अलग दिखाई देती है। सो उनके बीच वाली जो वेब सेल्स है वो डिग्रेड होती है अपोप्टोसिस से ही। अपोप्टोसिस प्रोसेस डीएनए रिपेयर सिस्टम में खराबी या फिर डीएनए ब्रेक और सेलुलर स्ट्रेस के कारण भी है वो इंड्यूस हो सकता है। यहाँ पे एक कास्पेज प्रोटीन आता है जो कि सेलुलर कॉन्टैक्ट लाइक न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करता है, और इस कास्पेज प्रोटीन को भी है वो एक्टिवेट करना होता है। सो ये कास्पेज एक्टिवेशन के बाद में ये सब प्रोसेस है वो चालू होती है। अपोप्टोसिस प्रोसेस दो पाथवे में देखा जाता है, एक्सट्रेंसिक पाथवे जिसमें से सिग्नल है वो बाहर से आते हैं फॉर अपोप्टोसिस एंड इंट्रेंसिक पाथवे। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्सट्रेंसिक पाथवे। एक्सट्रेंसिक पाथवे में बाहर से कोई दूसरी सेल आके सिग्नल देती है, जिसमें से मोस्ट कॉमन होती है नेचुरल किलर सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल्स, जिसमें से है वो उसमें है वो बाहरी मेम्ब्रेन पे है वो फैस लाइगेंड होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और जिस सेल का डेथ कराना होता है उस सेल के पास होता है फैस रिसेप्टर। और फैस लाइगेंड और फैस रिसेप्टर के अटैच होने के बाद में सिग्नलिंग चलती है। अब ये फैस रिसेप्टर का साइटोसोलिक डोमेन के साथ में फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन आके अटैच हो जाता है और डेथ डोमेन बनाते हैं, और ये FADDs आके है वो इनिशिएटर कास्पेज को एक्टिवेट करता है, और ये इनिशिएटर कास्पेज आगे जाके है वो अफेक्टर कास्पेज को एक्टिवेट करता है, और इस प्रकार से कास्पेज कास्केड है वो चलाता है कि आगे जाके सेल को अपोप्टोसिस करा देता है, सेलुलर कंटेंट को डिग्रेड कराना, और साथ ही साथ फॉस्फेटिडाइल सीरिन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड की तरफ ज़्यादा होता है, और उसको अब है ये अपोप्टोसिस से है वो फॉस्फेटिडाइल सीरिन है वो आउटसाइड है वो चला जाता है और सिग्नल देता है ईट मी सिग्नल, एंड फेगोसाइटोसिस लाइक मैक्रोफेज सेल्स है वो उसको इंगल्फ है वो कर लेती है। सो अब हम बात करते हैं इंट्रेंसिक पाथवे के बारे में। इसके अंदर है वो सेल के अंदर ये वो सिग्नल है वो मिलता है, एंड मेनली है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है वो इन्वॉल्व होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में है वो यहाँ पे है वो कुछ की कंपोनेंट्स की प्रोटीन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। टू टाइप के होते हैं एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन जो कि अपोप्टोसिस को रोकते हैं, जिसमें BCL2 एंड BCL3 ये मेन होते हैं, एंड बैक्स एंड बैक ये अपोप्टोसिस को कराने में हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे BCL3 है वो बैक्स एंड बैक के प्रोटीन के साथ में वो अटैच हो जाता है और उनके एक्सप्रेशन को, उनके फंक्शन को है वो रोकता है। और जब भी कभी अपोप्टोसिस का ये सिग्नल आता है कि अपोप्टोसिस कराना है, तब इस BCL3 को इनहिबिट कर दिया जाता है बाय BH3 मोस्टली प्रोटीन के थ्रू। अब नाउ ये जो बैक्स एंड बैक प्रोटीन है ये साथ में कॉम्प्लेक्स होके कॉम्प्लेक्स ये पोर फॉर्मेशन कराते हैं एंड मेम्ब्रेन के ऊपर ये पोर फॉर्मेशन करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिससे वो साइटोक्रोम सी है वो बाहर निकल जाता है। अब ये साइटोक्रोम सी साइटोसोल में आके APAF1 प्रोटीन के साथ में अटैच हो जाते हैं और अपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स है वो बनाते हैं, और इनके साथ में इनिशिएटर कास्पेज भी है वो जुड़ जाता है और प्रो अपोप्टोसोम बना जाता है जो कि आगे कास्पेज कास्केड को चलाता है। इनिशिएटर कास्पेज इफेक्टर कास्पेज को एक्टिवेट करता जाता है जो कि आगे अपना है वो इफेक्ट है वो कराता है। एक्सट्रेंसिक पाथवे में जो इनिशिएटर कास्पेज होता है वो होता है कास्पेज 8 एंड इंट्रेंसिक पाथवे में कास्पेज 9 होता है, और ये जो इनिशिएटर कास्पेज जिस इफेक्टर कास्पेज को एक्टिवेट करते हैं उसका नाम होता है कास्पेज 3। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कैंसर सेल्स, कैंसर सेल में अपोप्टोसिस को रोका जाता है बाय इंड्यूसिंग एंटी अपोप्टोटिक सेल BCL3 एंड इनहिबिटिंग लाइक बैक एंड बैक्स प्रोटीन्स। सो इसी के साथ में हमने अपोप्टोसिस के बारे में, एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक पाथवे के बारे में डिस्कस किया, कास्पेज कास्केड के बारे में डिस्कस किया। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को और लाइक कर सकते हो इस वाली वीडियो को। This is reference also available in description.